हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, ठीक है। और इससे पहले आपको एक सूचना दी जाती है, यदि आप अपने एग्जाम को जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस डिवाइड किया गया है इसको कंप्लीट तरीके से पूरा करना चाहते हैं और एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ साथ आप वहां से पूरी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में आप टॉप भी कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पास कराने की गारंटी नहीं दी जाती है बल्कि उन सारे बच्चों में, सारे यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे रहते हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों में टॉप कराने की गारंटी दी जाती है, टॉप 3 और टॉप 10 में लाने की गारंटी दी जाती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का ये कोर्स है इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ आज हमें सिलेबस को देखना है, इसके गहराई में नहीं जाना है। और आप यदि गहराई में जाते हैं तो थोड़ा सा टारगेट गुरुकुल ऐप पर सिलेबस पड़ा हुआ है, वहां पर आप जाइए और देखिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में आपको बताया जाएगा कि चूंकि आपका जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है तो एक यूनिट, दो यूनिट और तीसरे यूनिट या फिर जो अदर पेपर है, जो तीन पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है उसमें कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें कोर्स, जो कोर्स कोड है पॉलिटिकल साइंस 101 है, 102 है, 103 है, तो कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हमें करनी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं और हम लोग देखते हैं कौन कौन से सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस जो है आपका सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट कोर्स एंड क्रेडिट इन वेरियस सेमेस्टर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होने वाला है तो जो सेमेस्टर वाइज होने वाला है ठीक उसी प्रकार हमें तैयारी भी करनी होगी। चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी ऑफ आर्ट, यहाँ जो है फैकल्टी आर्ट फैकल्टी का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है और पॉलिटिकल साइंस हम लोग को पढ़नी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, हालांकि ये स्पेशल यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बट ये मान के चलिए कि 90% हर यूनिवर्सिटी को ये कवर करता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब बस ये टारगेट गुरुकुल जो ऐप है इसको डाउनलोड करिए और सारी यूनिवर्सिटी की तैयारी उस पर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की जाएगी, आपकी कराई जाएगी और आपको जो है एग्जाम में टॉप भी कराया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिलेबस की तरफ, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स कोड 101, ठीक है ना, कोर्स कोड जो है पॉलिटिकल 101 है और हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल 101 जो है ये आपका पहला पेपर है तो इस पेपर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। इस पेपर को हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड करके देखते हैं, ऑलरेडी यूनिट वाइज डिवाइड है सिलेबस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्या है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीति का परिचय, यानी पॉलिटिकल साइंस का परिचय। यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूनिट जो फर्स्ट है वहां पे दिया हुआ है व्हाट इज पॉलिटिक्स, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, ठीक है, पहला टॉपिक ये हो गया। और दूसरा जो राजनीति है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। और तीसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एज आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्या जो पॉलिटिकल साइंस है ये जो है आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, क्या उसका आर्ट है, क्या उसकी कला है, अगर है तो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हमने चर्चा करना है। अगर इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आर्ट है तो किस तरीके से वो काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो है पॉलिटिकल एज अ पब्लिक अफेयर, क्या पॉलिटिकल पब्लिक अफेयर है, क्या जो राजनीति है किसी भी प्रकार से जनसंख्या से ये जो पब्लिक है उससे संबंधित है, अगर है तो कैसे है और किस तरीके से उसको प्रभावित करता है या भूमिका निभाता है, या फिर जो पब्लिक है उसको कैसे प्रभावित करती है या उसमें कौन कौन सी भूमिका निभाती है, इसको भी हम लोग को देखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉलिटिक्स एज अ कंप्रोमाइज एंड कॉन्सेंस, ठीक है ना, क्या इससे इसके पॉलिटिक्स के साथ किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या फिर कोई भी कॉन्सेंस होता है। आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स एज अ पावर, क्या पॉलिटिक्स को पावर की तरह यूज किया जा सकता है, एक शक्ति की तरह यूज किया जा सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सरकार है, सरकार
कब बनती है, जब पार्टियों के द्वारा सरकार चुन की जाती है, तो क्या जो पॉलिटिक्स है उस सरकार की पावर है क्या? जैसे मान के चलते हैं एक पार्टी कोई जीत जाती है, जीतने के बाद अपनी सरकार बनाती है, तो क्या ये जो पॉलिटिक्स है उस सरकार की पावर है? देखिए टॉपिक में दिया हुआ है पॉलिटिक्स एज अ पावर है या नहीं है, इसके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अगर है तो किस तरीके से काम करती है। यूनिट टू को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं यूनिट टू। यूनिट टू में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट एंड सिस्टम, जो सरकार है और सरकार का जो तरीका होता है वो कौन कौन सा है, जैसे जो गवर्नमेंट सरकार और सिस्टम यानी कि उसका जो पद्धति या तरीका है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम जस्ट लाइक परंपरागत पद्धति, ठीक है ना, शुरू से जो चलती चली आ रही या फिर जो नई कोई मॉडर्न पद्धति डेवलप हुई है उसको हम लोग देखेंगे, या फिर इसका क्लासिफिकेशन भी देखना है, वाई क्लासिफाई पॉलिटिकल सिस्टम, और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको क्लासिफाई क्यों किया जाता है, इसको डिवाइड क्यों किया जाता है, वर्गीकृत क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ी वर्गीकृत करने के लिए, इसको भी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्लासिकल टाइपोलॉजी, द थ्री वर्ड्स ऑफ टाइपोलॉजी, यहाँ पे क्लासिकल टाइपोलॉजी क्या होती है और कौन कौन से उसके थ्री वर्ड्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट थ्री। यूनिट थ्री जो है इसमें द स्टेट के बारे में बताया है, यानी कि राज्य के बारे में बताया है। हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि राज्य क्या होता है और राज्य के अंग कौन कौन से हैं और किसको हम लोग राज्य कहते हैं, या फिर जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब के सब हैं, क्या यही राज्य हैं या फिर ओवरऑल इंडिया जो हमारा इंडिया है वो राज्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्टेट, यानी कि स्टेट क्या है इसको डिफाइन करना है, और मीनिंग कि उसका अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ उसके डेफिनेशन को हम लोग को देखना है। आगे हम लोग चलते हैं यूनिट फोर में। यूनिट फोर में हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या है, हिंदी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बारे में एक बहुत बढ़िया कोटेशन है और अब्राहम लिंकन का, उन्होंने बताया कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी है। बट रुकिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही नहीं है, ध्यान से देखिए, डिफाइन करने पर जो चीजें आती हैं, तो यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया जो कोटेशन है यही वर्ड है, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, और हु आर द पीपुल, हाउ शुड द पीपुल रूल्स। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है तो पीपुल कौन है, यानी जनता कौन है, और जनता कैसे शासन करती है, इसको भी हमें चर्चा करना है। आगे हम लोग देखते हैं हाउ फार शुड पॉपुलर रूल एक्सिस्टेंस, ठीक है ना, कौन सा ऐसा रूल करने का तरीका है, कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो बहुत बढ़िया तरीके से रूल कर सकता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कौन कौन से मॉडल्स है, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिकल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, पीपुल्स डेमोक्रेसी। क्लासिकल मतलब जो परंपरागत अब तक चली आ रही है वो डेमोक्रेसी होती है, और प्रोटेक्टिव मतलब रक्षात्मक डेमोक्रेसी होती है, डेवलपमेंट मतलब जो विकास के चरण पे अभी भी उसका मतलब विकसित रूप, धीरे धीरे वो विकसित हो रही है, और कब तक विकसित होगी, कब उसका बड़ा स्वरूप आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और उसके साथ भी यही चलता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं पीपुल्स डेमोक्रेसी, मतलब पीपुल्स के साथ डेमोक्रेसी किस तरह व्यवहार करती है, या फिर जो पीपुल्स होते हैं वो डेमोक्रेसी को किस तरीके से यूज करते हैं, इसको भी हम लोग को देखना है, किस तरीके से डेमोक्रेसी का प्रयोग पीपुल्स के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं जो यूनिट, ये जो कोर्स कोड टू है, ठीक है ना, अगला जो हम लोग का पेपर है वो है कोर्स कोड टू, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल 102 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो, जैसे मान के चलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको परिचय दे दें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट उसी को कहा जाता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो शासन पद्धति थी बहुत पहले ही लगभग 200 साल हम लोगों के ऊपर राज की थी, ठीक है ना, तो उसी से आजादी पाने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को किया गया था। इंडिया के बहुत से जगहों से सारे मूवमेंट्स चलाए गए और फाइनली हम लोग क्या हो जाते हैं, 1947 में आजाद हो जाते हैं, और आजाद होने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो असेंबली, एक असेंबली बनाई जाती है और उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में दिया है बर्थ, ग्रोथ एंड
पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पे सबसे पहले देता है कि जो बर्थ होता है या इंडियन जो मोमेंट्स होता है, ठीक है ना, नेशनल मोमेंट्स होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, उसका बर्थ कैसे होता है, और बर्थ होने के साथ साथ उसका ग्रोथ कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल ट्रेंड्स कि वो कैसे राजनीति में कैसे ट्रेंड में आ जाता है, यानी कि उसका ओरिजिन हुआ, यानी कि अंग्रेजों का जब खिलाफ होने लगा तो इंडियन नेशनल मूवमेंट बना, और उसके बाद उसका ग्रोथ कैसे हुआ, और फिर वो ग्रोथ तक ही सीमित नहीं हुआ, कैसे एक राजनीति के रूप में, एक राजनीति में आकर के वो वर्चस्व जमा लिया, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है। आगे हम लोग देखते हैं द नेशनल मूवमेंट्स, चूंकि ये नेशनल मूवमेंट्स के बारे में ये सारी चीजें है, ठीक है, ये ग्रोथ, बर्थ और पॉलिटिकल ट्रेंड्स, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। देखेंगे हम लोग स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो हमारा संविधान है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, 1781, 1784, ठीक है, 1781, 1784, ये सभी के सभी जो डेट्स हैं, इसी के जरिए स्टेज बाय स्टेज हमारा संविधान डेवलप हुआ, यानी कि जब फाइनली हम लोगों ने इंडियन असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया गया, इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सब प्रावधानों को उसमें क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, और फाइनली हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, और आज के डेट में भी वही संविधान हम लोगों का चल रहा है। हाँ, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं उसमें संशोधन हो जाता है, और संशोधन होने के बाद प्रॉपर वो ठीक उसी तरह कार्य करता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका यहाँ पे डेवलपमेंट आपने समझ लिया कि कौन कौन से प्रावधान कैसे आए, कैसे नहीं आए, और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक असेंबली बनाई गई और उसमें बताया गया कि जो संविधान होना चाहिए कैसे होना चाहिए, तरह तरह की समितियां बनाई गई, समितियों को कुछ जिम्मेदारी दिया गया, उस समितियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जिम्मेदारी निभाया, और फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया। इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है कि असेंबली बनाई गई, उसमें कितने सदस्य थे, कैसे वो काम की, और फाइनली कैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल्स, ये जो अगला यूनिट है फिलोसफी, जो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फिलोसफी पॉइंट है, दार्शनिक बिंदु है, वो किस प्रकार का है, या फिर आगे हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है, और नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंडियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल राइट्स होता है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, इसका हिस्टोरिकल पॉइंट्स कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इन दोनों में, हिस्टोरिकल पॉइंट्स किस तरीके से काम करती हैं, और फाइनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डेवलप हुए, और इनका अभी के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा प्रावधान है और किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि जो संशोधन का प्रोसेस है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा जो लॉ है या फिर कोई ऐसी विधि है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर ली गई है, और उसको क्या करना है कि अब वो जो है इस टाइम के जो जो वर्तमान समय में जो भी सिस्टम है, जो भी पद्धति है, उसमें उसका कोई महत्व नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उसको क्या कर दिया जाता है, हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर जो सरकारें होती हैं उसमें अमेंडमेंट कर देती हैं कि ये जो प्रावधान था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय सिचुएशन कुछ और था, और आज की डेट में सिचुएशन कुछ और है, इसलिए ये क्या करते हैं कि ये जो प्रावधान है, मान के चलिए कि अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4, मान के चलिए कि ये अनुच्छेद 4 जो आर्टिकल 4 है ये हमारे किसी काम का नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तब तो था क्योंकि उस समय जो है हमारा देश आजाद हुआ था, और हो सकता है उस समय इसको जो अनुच्छेद 4 है इसकी हमें जरूरत रही हो, बट आज के डेट में हम लोग आजाद हो चुके हैं और बहुत सारी चीजों से जो है उभर करके बाहर आ चुके हैं, तो हो सकता है इसका कोई प्रावधान ना रहा हो या फिर इसकी कोई जरूरत ना रही हो, तो इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये जो है अमेंडमेंट की चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग एक चीज देखते हैं संविधान में, संविधान का जो पहला पार्ट जो खुलता है तो वो वहां पे एक चीज हमें मिलती है, वो होता है प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना जो होता है जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, प्रीएम्बल भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसमें कौन कौन सी चीजें दी जाती हैं और क्यों दी जाती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक वाक्य में बता दूं कि जो
प्रीएम्बल में जो भी चीज दी जाती है उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन सी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रीएम्बल भी उसका जो कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है। जैसे मान के चलिए जो हमारा प्रीएम्बल है स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और भी सारी चीजें उसमें क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। जैसे उसमें समाजवादी वर्ड ऐड किया जाता है, गणतंत्रात्मक जो होता है राज्य ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं किस तरीके से काम उसमें करती हैं उसको हम लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो केस है बहुत से केस हैं, 2-3 केस हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो वीडियो लेंथी ना हो, हम लोग को सिलेबस भी कवर हो जाए, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें पढ़नी है इस पर हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, यानी यूनियन लेजिस्लेटिव क्या होता है और यूनियन लेजिस्लेटर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है दोहरी शासन व्यवस्था है, एक केंद्र से शासन होती है और दूसरा जो होता है राज्य से शासन होता है। ठीक है ना, तो एक होता है यूनियन टेरिटरी और एक होता है स्टेट। ठीक है ना, तो यूनियन टेरिटरी जो होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है और यूनियन लेजिस्लेचर होता है। तो जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे डायरेक्ट शासन किया जाता है केंद्र के द्वारा, सेंटर के द्वारा, और यहाँ पे अपना अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, मान के चलिए ये दोनों राज्य हैं और यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये तरह तरह के अपने जो भी काम होंगे वो करेगी, किस तरीके से काम करेगी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग को यही जानना है कि यहाँ पे जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है और यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, इसको भी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं। इसका आर्टिकल्स कौन कौन सा होने वाला है, प्रेसिडेंट होता कौन है, किस तरीके से काम करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या भूमिका होती है, और देश का सबसे पहला नागरिक भी यही होता है, तो इसके बारे में चर्चा करना जरूरी भी है, जानना है, तो इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट ग्रुप होता है, जो प्रतिनिधि हम लोग चुन करके जाते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं, एक कैबिनेट बनाते हैं, और कैबिनेट क्या करता है, हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को, सारी विभाग को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो होता है कैबिनेट का क्या होता है, हेड होता है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद इसमें दिए इससे संबंधित है ये भी देखना है। लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। चलिए, और उसके बाद देखेंगे हम लोग स्पीकर के बारे में कि स्पीकर क्या होते हैं और किस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं वही चीजें जो यूनिट जो 6 है इसमें वही चीजें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, यहाँ तो हम लोग यूनियन के बारे में देखेंगे, संघ के बारे में देखेंगे जो सेंटर में बैठा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट के बारे में, स्टेट जो लेजिस्लेटिव होता है या फिर एग्जीक्यूटिव होता है और स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसके पावर्स कौन होते हैं, फंक्शन यानी उसका कार्य क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, यहाँ गवर्नर राज्यपाल, यहाँ पे प्रेसिडेंस राष्ट्रपति, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप रहने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। जैसे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। आगे हम लोग चलेंगे, जो अगला यूनिट है उसमें देखेंगे हम लोग को क्या है, अगला जो यूनिट है वो है ज्यूडिशरी। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट्स होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं भाई, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको जो है, यहाँ कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं, क्या करती हैं, इसी के सहारे जो पार्टियां होती हैं गवर्नमेंट को चलाती हैं और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, तो जो जुडिशरी होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायालय। तो न्यायालय के कौन कौन से काम है, ये किस तरीके से काम करेगा, कौन सी भूमिका निभाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया प्रावधान है, इंडिया में इसका कितना महत्व है,
इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। इसमें दो तीन चीजों को हम लोग देखेंगे, जैसे इसका पावर, ये जो कंपोजिशन होता है इसका पावर क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है, और सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। ठीक है, आगे हम लोग सिलेबस में देखेंगे एक एक टॉपिक को। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो यूनिट 8 है इसके बारे में भी कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया कि इंडिया में जो है दोहरी शासन व्यवस्था है, एक तो सेंटर से और दूसरा स्टेट में अपना खुद का राज्य जो होता है उसका खुद का जो सरकार होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में, इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध होता है, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, या फिर हम ये कहें कि मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे एक ओवरव्यू हम लेते हैं इंडिया का, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में एक गवर्नमेंट है बैठी हुई है, और यहाँ पे जो है गुजरात है मान के चलते हैं, तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात की भी एक गवर्नमेंट होगी और दिल्ली की एक गवर्नमेंट होगी। गुजरात का जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, जो दिल्ली पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया पर वो रूल कर रही है। ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहने वाले हैं, किस तरीके से ये काम करेंगे, मान के चलिए कि ये इन्होंने लॉ बना दिया, ठीक है, और फिर उसी पॉइंट पे इन्होंने भी लॉ बना दिया, तो इसमें किसका लॉ प्रभावी होगा, कौन से जो लॉ बनाए गए हैं इसके द्वारा ज्यादा प्रभावी होंगे इसमें, या फिर इसी के द्वारा बनाए हुए लॉ प्रभावी होंगे, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया आपका सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, यानी कि लोक प्रशासन, शासन करने की तकनीकी तरीका व्यवस्था पद्धति, किस तरीके से शासन किया जाएगा, कितने लोगों को कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट है इसका क्या काम होगा, कैबिनेट, कैबिनेट में जितने मंत्री होंगे उसका क्या काम होगा, इस सारी पद्धति को जो देखने का काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेटिव हो गया, फाइनेंशियल एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज मतलब जो होते हैं, ठीक है, मान के चलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं, उनको अभी आधुनिकता की थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा भी वो मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते या फिर मॉडर्नाइज नहीं है, तो उस जो राज्य है, राज्य के जो आदिवासी लोग हैं या फिर बहुत पिछड़े लोग हैं, किस तरीके से उनके लिए काम किया जाए, क्या काम किया जाए, क्या नहीं काम किया जाए, या फिर उनके लिए कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन बनाए जाए कि वो मॉडर्नाइजेशन जो हम लोग का जनरेशन है उसमें जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए, घुल जाए, या फिर थोड़ा सा वो भी आगे बढ़ जाए, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। उसके बाद एरिया यानी कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, जैसे आज के डेट में जो चुनाव होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही चुनाव कराया जाता है, और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसमें, सरकार बनाने में, ठीक है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन सारी व्यवस्थाओं को देखता है जिसकी वजह से पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और अपना जब जो पार्टी बहुत बहुमत में आ जाती है वो क्या करती है, अपना सरकार बनाती है, और फिर वो गवर्नमेंट को चलाती है, पूरे इंडिया को वो क्या करती है, चलाती है, जो सेंट्रल में बैठी होती है, जो स्टेट में बैठी होती है वो राज्य को चलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके कौन कौन से प्रोविजन होते हैं, कौन कौन से कार्य हैं, क्या ये जो है संविधान में किसी प्रकार का इसका अनुच्छेद किसी आर्टिकल्स में दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स को भी हम लोग को पढ़ना है, और इलेक्शन कमीशन की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग को देखना है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, अगला जो पेपर है उसमें देखते हैं अगला पेपर क्या है। ठीक है, अगले पेपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेपर कोड जो है, कोर्स कोड जो है कितना है, 103 है। ठीक है ना, कोर्स कोड क्या है, 103 पॉलिटिकल साइंस 103। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो है यूनिट फर्स्ट है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट में हम लोग को देखना है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, यानी कि जो उसकी उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। उसके बाद हम लोग को देखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ है उसमें इक्वलिटी है कि नहीं, क्या सबके लिए एक ही प्रकार का लॉ है, इसको भी हम लोग को देखना है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मौका मिलना। ठीक है ना, तो मौका मिलना जो होता है वो अपॉर्चुनिटी होती है, तो क्या सबके लिए एक ही प्रकार का मौका है, है, इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है भी और मिलता भी है, सब लोग क्या करते हैं अपनी तैयारी करते हैं और सबके लिए एक ही पेपर बनाया जाता है, एक ही पेपर दे करके और उस सेम पद पर क्या होते हैं, नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो है ये चीज है। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड एक्सप्रेशन एंड द
डेंसेंट्स साइबर क्राइम स्टेट एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है, और फ्रीडम ऑफ बिलीफ एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग यूनिट जो पेपर थर्ड है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, राइट एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार क्या होते हैं या फिर अधिकार का वायलेशन किस तरीके से होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करनी है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है, अगर शिक्षा का अधिकार है तो मिलेगा या फिर ये किस तरीके से शिक्षा का अधिकार काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे कोरिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज, हमारा जो ड्यूटी है या फिर जो कर्तव्य है, जो मूल अधिकार है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होने वाले हैं इसके भी हमें देखना है। जो जुडिशरी जस्टिबिलिटी जो होती है इसको भी हम लोग को देखना है, फंडामेंटल राइट्स भी देखना है, और डिजिटल इम्पॉर्मेंट्स थ्रू सोशल नेटवर्किंग एंड साइट्स, यानी कि जो संचार व्यवस्था होती है, नेटवर्किंग व्यवस्था होती है, उसमें कौन कौन से हमारे राइट्स हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। और फिर जो है सिटीजन्स चार्टर क्या होता है, सिटीजन यानी नागरिक से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं उसको भी हम लोग को चर्चा करनी है। अगला जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में हम लोग देख लेते हैं जेंडर सेंसिटिविटी, यानी कि जेंडर से संबंधित कितना हमारे पास नॉलेज है और किस तरीके से वो काम करता है। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है क्या लैंगिक समता है, अगर है तो नहीं है तो किस तरीके से नहीं है, अगर है तो किस तरीके से है। ठीक है ना, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान एक ही है, लेकिन वो सजा का प्रावधान में एक उचित विभाजन होना चाहिए। उचित विभाजन का मतलब अब जो प्रधानमंत्री है या फिर जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका जो वैल्यूबिलिटी है सेम तो है नहीं, तो उचित विभाजन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए कौन से प्रावधान होने चाहिए और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए कौन से प्रावधान होने चाहिए, यही होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्टेट एंड गवर्नमेंट्स जो होता है, यानी कि जो राज्य होता है, राज्य में जो सरकारें होती हैं, नेशन बिल्डिंग्स क्या होता है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग को बनाने, जैसे नेशनल जो होता है नेशन को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, पूरे विश्व स्तर पर ह्यूमन राइट्स जो होता है, मानव अधिकार होता है किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। अगला जो हमारा यूनिट है वो है गवर्नमेंट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट्स कौन कौन सी पॉलिसी लागू करती है, किस तरीके से लागू करती है और वो पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, इसको भी हम लोग को चर्चा करनी है। बहुत सी पॉलिसी है, जैसे कृषि में उठा के देख लीजिए पॉलिसी है, बहुत तरीके की पॉलिसी है, उसको जो है हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक, राइट टू इंफॉर्मेशन लोकपाल, राइट टू इंफॉर्मेशन लोकपाल, लोकपाल क्या होता है, लोकपाल का पद जो होता है किस तरीके से काम करता है, ये किसके लिए काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फाइनली मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सिलेबस आप लोगों का जो है वो बता दिया गया है, अगर आप सिलेबस को डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको जो है जितना भी सिलेबस में जो भी पॉइंट्स है उसको जो है एनालिसिस कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप जो है YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपका सलूशन जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।